दूसरा हीरा हासिल करना चाहते हो? अगर आपकी दुआ और ऊपर वाले का करम रहा तो मैं वो दूसरा हीरा हासिल करके ही दम लूंगा। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बस दुआ है आपकी। कैसा कट रहा है सफर आपका? चलिए ठीक है। नाखुदा, अब यहाँ से यमन कितने फासले पर है? बस 2 दिन और 2 रात में हम यमन के साहिल पर होंगे। हम अपने जहाज के मुसाफिरों को वहीं उतार देंगे और तुम भी जहाज लेकर वहीं रुक जाना। और आप? हम एक कश्ती खरीद कर उस हीरे की तलाश में निकलेंगे और उस मौत की वादी का नजारा करेंगे। लेकिन जनाब, वो जगह यहाँ से महीनों के फासले पर है और वहाँ खतरा भी बहुत है। आप कहाँ कहाँ तलाश करेंगे उसे? ढूंढने वाले को तो खुदा भी मिल जाता है मेरे दोस्त, वो तो सिर्फ मौत की वादी है। लेकिन जनाब, वो भूत प्रेत चुड़ैल और शैतानों की बस्ती है जो इंसानों को जिंदा खा जाते हैं। खुदा हिफाजत करे आपकी। मैं सिर्फ खुदा पर यकीन रखता हूँ, भूत प्रेत और शैतान पर नहीं। पर फिर भी खुदा ना ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो? अगर इंसान में हालात से लड़ने की ताकत हो और अपने आप पर भरोसा हो तो पहाड़ भी रास्ता छोड़ देते हैं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, मगर आपकी जिंदगी भी तो अजीज है। मौत तो किसी को नहीं छोड़ती मेरे दोस्त, लेकिन मैं मरने से पहले ऐसे कारनामे अंजाम दूंगा, ऐसी कहानियां छोड़ जाऊंगा जिसे दुनिया पार पार दोहराएगी। सिंदबाद के हौसले और यकीन की मिसालें दी जाएंगी इंशाल्लाह। लाओ। किनारे पर कोई चीज चमकती दिखाई दे रही है, क्या है वो? वो तो आईना सिकंदरी है। आईना सिकंदरी? हाँ, कहते हैं कि बादशाह सिकंदर ने उस मीनार को बनवाया था और उस पर आईना लगवा दिया था। वो किस लिए? वो आईना इस बात का इशारा है कि उसके बाद हद सिकंदरी शुरू हो जाती है। ये हद सिकंदरी क्या है? जो जहाज उस हद में जाता है वो सही सलामत नहीं रहता। अच्छा, वो कैसे? वहाँ हर वक्त तूफान उठता रहता है। वहाँ एक बहुत बड़ा भंवर है जिसमें फंसकर बड़े से बड़ा जहाज भी डूब जाता है। आज तक सैकड़ों जहाज उस भंवर में डूब चुके हैं। अगर जिंदगी रही तो हम उस जगह की सैर जरूर करेंगे जिसे हदे सिकंदरी कहते हैं। शकुमिया, कैसे मिजाज हैं आपके? अमीर सिंदबाद के होते किस बात का गम? अरे यार, ठीक कहा तुमने, बिल्कुल सही कहा। खुदा हमारे अमीर सिंदबाद को खुश रखे, आबाद रखे। हाँ। मगर उसे थोड़ी सी अकल भी दे। वो मौत की वादी में जा रहा है जहाँ भूत होंगे, प्रेत होंगे, चुड़ैलें होंगी। बाप रे बाप। क्यों जनाब, आपने तो बहुत से सफर किए हैं, क्या नाखुदा की बताई हुई हदे सिकंदरी और आईनाए सिकंदरी की बात दुरुस्त है या सिर्फ कहानी है? बिल्कुल दुरुस्त है जनाब। अब तक वहां सैकड़ों जहाज डूब चुके हैं। जो जहाज गलती से वहां गया फिर लौट कर नहीं आया। और ये हीरे वाली कहानी जो मौत की वादी में है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है। उस मौत की वादी में जो भी गया लौट कर नहीं आया। आखिर ऐसी क्या बात है मौत की वादी में? अव्वल तो वहां पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है, क्योंकि रास्ते में बड़े खतरनाक जंगल पड़ते हैं। अगर उनसे बच गए तो खूनी दरिंदे फाड़ खाते हैं, और अगर उनसे भी बच गए तो देव भूत प्रेत जान को आते हैं। सुना है एक हीरा सिंदबाद के पास है और दूसरा हीरा लेने जा रहा है। खुदा सिंदबाद को कामयाब करे,
मगर वो हीरा है बड़ा मनहूस। वो कैसे? इस हीरे की वजह से कोई न कोई आसमानी आफत जरूर आती है, इसीलिए कहा जाता है कि यह हीरा मनहूस है। नहीं बुजुर्गवाद, खुदा की बनाई हुई कोई भी चीज मनहूस नहीं होती। अल्लाह ताला ने जो भी चीज बनाई है उससे किसी न किसी को फायदा जरूर पहुंचता है। इसका सबूत यह है कि कभी कभी जहर भी दवा का काम करता है। मैं नहीं मानता, वो हीरा है मनहूस। इसके मुंह से तो हरा हरा झाग निकल रहा है। इसे दुनिया के सबसे जहरीले सांप ने काटा है। अब इस पर दुनिया की कोई दवा असर नहीं कर सकती। अब इस गरीब के लिए सिर्फ दुआ करो। नहीं, लेकिन मैं इसे मरने नहीं दूंगा। नहीं मरने दूंगा इसे मैं। अल्लाह ने चाहा तो यह भी उठकर खड़ा हो जाएगा इंशाल्लाह। खुदा करे ऐसा ही हो, मगर आज तक हमने किसी इंसान को जीता नहीं देखा जिसे ऐसे सांप ने काटा हो। अल्लाह ने चाहा तो इसे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इसे। हाँ, पानी लाओ, पानी लाओ। ना खुदा, होश में आओ मेरे दोस्त, होश में आओ। जीना है मेरे दोस्त, जीना है तुम्हें। हाँ, पियो। आंखें खोलो। करो, इनकी वजह से तुम्हारी जान बच गई। मालिक अमीर सिंदबाद, अमीर सिंदबाद, तुम मेरे मालिक हो, मेरे आका हो। तुमने मेरी जान बचाई, मुझे नई जिंदगी दी। मैं सारी जिंदगी तुम्हारे पैर धो धो कर रहूंगा। नहीं, पंचो जैसी बात मत करो। तुम मेरे साथी हो, साथी। अपने आप को गुलाम नहीं, इंसान समझो। खुदा ने किसी को किसी का गुलाम नहीं बनाया। ये तो इंसान की हवस है जिसने चारों लूट मचा रखी है। सुभान अल्लाह। मगर सिंदबाद, ये हीरा यकीनन वही हीरा है जिसके बारे में हम सुनते चले आ रहे हैं, और जिसके साथ का हीरा हासिल करने के लिए तुम मौत की वादी का सफर तय करना चाहते हो। हाँ, सुना है ये हीरा बहुत कीमती है। दुनिया का बड़े से बड़ा जौहरी भी इस हीरे का दाम नहीं चुका सकता। अगर तराजू की एक पलड़े में ये हीरा रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में दुनिया के सारे जवाहरात भर दिए जाएं, तो भी इस हीरे की बराबरी नहीं हो सकती। क्या मैं इस कीमती हीरे को
एक नजर देख सकता हूँ? हाँ जरूर। ये हीरा सिर्फ हीरा नहीं, दुनिया का बहुत बड़ा खजाना है। मगर मैं फिर कहता हूं, यह हीरा बहुत मनहूस है। जिसके पास रहता है उसकी जान भी खतरे में रहती है और उसके साथ वालों की भी। और मैं भी फिर कहता हूं कि खुदा की बनाई कोई चीज मनहूस नहीं होती। उसका सबूत सामने है आपके। आप जिस हीरे को मनहूस कह रहे हैं उसी हीरे ने एक इंसान को नई जिंदगी दी है। अमीर सिंधवाद ने बिल्कुल ठीक कहा है, ये हीरा मनहूस नहीं हो सकता। मगर देख लेना, हम पर कोई ना कोई आफत जरूर आएगी। उस हीरे पर किसी जादू का असर होगा और वो जादू अपना असर जरूर करेगा। ये हीरा बहुत से इंसानों का खून पिएगा, देख लेना। तुम लोगों ने वो हीरा देख लिया ना? हाँ, देख भी लिया और उसकी कीमत का अंदाजा भी लगा लिया। तो फिर क्या ख्याल है तुम्हारा? सिर्फ हीरा हासिल करना है या उसे भी खत्म करना है? तुम्हें दोनों काम करने हैं, मगर ख्याल रहे, सिंधबाद होशियार होने के साथ साथ बहादुर भी है। हाँ, मगर उसमें एक कमी है। वो क्या? वो हमारी तरह बेरहम कातिल नहीं है। हम तजुर्बेकार कातिल हैं। हमारा नाम बगदाद से लेकर शाम तक, शाम से लेकर ईरान तक, ईरान से लेकर बुखारा तक हमारा नाम मशहूर है। और हर बादशाह ने हमारे कत्ल का हुक्म जारी किया है। हर मुल्क में एक फांसी का फंदा हमारा इंतजार कर रहा है। बस बस, ज्यादा बातें मत बनाओ और गौर से सुनो। सिंधबाद हर रोज दोपहर के बाद जहाज के तहखाने में, यानी कि निचले हिस्से में जाता है। क्यों? वो अनाज और दूसरी खाने पीने की चीजों की देखभाल करता है। ये तो बहुत ही अच्छा है। और उससे भी ज्यादा अच्छा ये है कि दोपहर के बाद जहाज पर सन्नाटा हो जाता है, सारे मुसाफिर सो जाते हैं। ऐसे में तुम लोग अपना काम आसानी से कर सकते हो। मगर उसकी लाश? जहाज के उसी हिस्से में एक निचला दरवाजा है जो समुंदर में खुलता है। वहां का सारा कूड़ा करकट उसी दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है। सिंधबाद की लाश भी उसी दरवाजे से बाहर फेंक देना। तो ठीक है, आज सिंधबाद का काम हो जाएगा। शाम तक वो हीरा मेरे कब्जे में होगा और सिंधबाद सिंधबाद समुंदर की गहराई नाप रहा होगा।
बड़ा नाम सुना था सिंधबाद का, अब बेचारा केचुए की तरह पड़ा है। अब हम इस केचुए को मछलियों की खुराक बना देंगे। बहुत दिनों से उन्होंने इंसानी गोश्त का मजा नहीं चखा। चलो इस केचुए को पानी में फेंक दे।